सो गाइस, आज हम आप लोग को अपना हॉस्टल दिखाएंगे, कैसा हॉस्टल है, कैसा किचन है और कौन से फ्लोर पे हम रहते हैं, सारा कुछ दिखाएंगे। तो जानते हैं सदाब से कि इसको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के और ये हॉस्टल में कैसा माहौल इसको मिला है, तो इससे बात करते हैं। तो सदाब बताओ भाई, हॉस्टल तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तुम देखी होगी, अभी वीडियो शूट कर लिया, ये शूट किया इसने। हॉस्टल कंपेरिजन टू जहाँ पे हम थे यूक्रेन, हॉस्टल तो भाई बहुत शानदार है। यहाँ पे पूरा फर्निश्ड है, सारा चीज है, दोनों साइड से लिफ्ट, जो भी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट वो तो है ही है। और मतलब और भी चीजें हैं, जैसे हर फ्लोर पे वॉशिंग मशीन हुआ, किचन का काम हुआ, मतलब जो भी चीज होता है। एक दो बालकनी है, उसके बाद स्टडी रूम भी बना गया, जो अभी ओपन नहीं हुआ वो हो जाएगा कुछ दिन में। तो मिला गुला के हॉस्टल परफेक्ट है कम्पेयर टू यूक्रेन ऑल्सो। तेनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कुछ ना करी। तेनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कुछ ना करी। तेनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगता है, जिससे अभी ऑन है, खुला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर ए ब्लॉक है, ए विंग है, इधर ए विंग है और हम लोग बी विंग में जा रहे हैं। इधर आज हम लोग 9th फ्लोर पे आ गए हैं और इसी फ्लोर पे हम लोग का रूम है। ये ए विंग है और इधर उधर रहा बी विंग, तो हम लोग इधर ए में जाने वाले हैं। ये देखिए सब ब्लॉक बना हुआ है, एक ब्लॉक में 2 सीटर एंड 3 सीटर, दो रूम का ब्लॉक है और ये रहा हम लोग का रूम। पहले तो आप बाहर का व्यू देखिए, आज थोड़ा बारिश हुआ है तो ऐसा है। और ये देखिए हमारा रूम 2 सीटर है, हम और सदाब रहते हैं। और ये देखिए साथ में कबोर्ड भी दिया गया है, दो अलग अलग है दोनों का। और ये चेयर वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है, ये टेबल है, नीचे तंबोज का प्रोवाइड किया गया है। और फिर आपको दिखाते हैं, ये गेट है, दो रूम का एक ब्लॉक है, ये बाथरूम है, लॉक है, कोई गया हुआ है। और ये 3 सीटर रूम है, मेरे पड़ोसी गण रहते हैं यहाँ, जैसा कि देख रहे हैं। और ये ब्लॉक का मेन गेट है। और ये किचन की ओर आपको लेकर चलते हैं, ये किचन है। हमारे हरी भाई गाना बजा रहे हैं और साथ में खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? गोभी बना रहे हैं भैया, गोभी बना रहे हैं। ये भी बाल बड़ा रखे हुए हैं कोई। और ये यहाँ किचन से व्यू, ये भी 4th ईयर के सीनियर है ये लोग। और ये किचन है, ये इंडक्शन है, ये हीट होता है पूरा। ये नीचे ओवन है। तो भाई कल संडे था तो आज साफ करने वाली आई नहीं है, डेली साफ करके जाती है पूरे, तो अभी गंदा गंदा नजर आ रहा है, बट कोई नहीं, डेली साफ होता है पूरा, एकदम क्लीन होता है पूरा हॉस्टल को, किचन को, सब चीज़ क्लीन रहता है डेली। और हम लोग भी ज़्यादा गंदा करने का सोचते नहीं है, लेकिन पिछले 5 दिन से आई नहीं है साफ करने वाली, जिसके कारण ये थोड़ा गंदा गंदा लग रहा।
ये किचन के बगल में हमारा, ये यहाँ पे रहता है, वॉशिंग मशीन रहेगा, लेकिन अभी रेनोवेट हुआ है तो अभी लगने में थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ वॉशिंग मशीन इस फ्लोर के लिए। अभी यहाँ पे लोग कपड़ा सुखा रहे हैं और वॉशिंग मशीन यहीं पे लगता है, हर एक फ्लोर पे ऐसा ही दिया गया है, तो अभी लगने में थोड़ा टाइम है, अभी जस्ट रेनोवेट ही हुआ है। हाँ, हम लोग का विंग दोनों साइड ब्लॉक है, 5-6 ब्लॉक है टोटल, एक ये रहा, एक हम लोग का ये रहा, आगे में भी एक है, उसके आगे भी है, उसके आगे भी है। इस विंग में लगभग सारे हम लोग यूक्रेन रिटर्न वाले हैं। और ये फिर किचन के बाद इतना, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये देखिए हॉल है इतना बीच में, इसके वो साइड एक विंग है, ये साइड एक विंग है, ए विंग और बी विंग, दो विंग में बटा हुआ है ये मास्टर, लेकिन दोनों कनेक्टेड है। हमारा यही रहा और सेम ही है, नीचे फर्स्ट फ्लोर तक सेम ही है, ऐसे ही सारा डिजाइन किया गया है पूरे हॉस्टल को। और ये हमारा रूम रहा, सदाप अभी पढ़ रहा था, अभी मोबाइल चला रहा है, कुछ देर पहले पढ़ रहा था। और ये हम लोग का बुक सेटिंग वगैरह सारा एनाटोमी का है, जो कि हम लोग को फर्स्ट ईयर में खत्म हो चुका है। फार्मेकोलॉजी, ये हेड एंड शोल्डर है जो कि अपने बाल के लिए यूज करते हैं, डेंड्रफ वगैरह नहीं होता इससे, और सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये टिंकोप कल ही अप्लाई किए हैं, टिंकोप कार्ड, और मेरा आ गया है, तो अब यहाँ का बैंक का यूज करेंगे कार्ड।